जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। दोस्तों ये एक एक्शन कॉमेडी फैंटेसी मूवी है जो कि लगभग 2 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म मिनट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक लड़का जो कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहता है और वो एक दिन पा भी लेता है अपनी ड्रीम जॉब को। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ड्रीम जॉब पाने के बाद में उसका जो बॉस होता है ना, वो उससे इतना ज्यादा काम कराता है, वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। यानी कि अपना दिन रात वो सारा ऑफिस में ही बिताता रहता है, ओवर टाइम कर करके उसका बॉस उसकी अच्छे से लगा देता है और वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी कि जो उसकी ड्रीम जॉब होती है ना, वो उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन में डाल देती है और उसकी ड्रीम जॉब कब उसके लिए खतरनाक बनती चली जाती है उसको पता ही नहीं चलता। अब दोस्तों उसकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग जोम्बी बन चुके हैं और जोम्बी लोग उसके ऊपर भी अटैक करने जा रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो ये चीजें देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दोस्तों आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी और क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मुझे मूवी के अंदर पर्सनली एक सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जब पूरी दुनिया जोम्बी बन जाती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता है। यानी कि मस्ती मजे, वो जब अकेला पड़ जाता है ना, तो वो ऐसे ही करता रहता है और वो कुछ भी बनाता है, कुछ भी खाता है, कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी घूमता रहता है। तो ये जो उसकी जिंदगी का एक पल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और दोस्तों ये तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके बाद में आपको 1 घंटे के बाद एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। यानी कि ये जो जोम्बी मूवी होने वाली है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें की गई है जो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मुझे पर्सनली 1 घंटे तक मूवी में बहुत मजा आया, मैंने काफी ज्यादा एंटरटेन फील किया। बट 1 घंटे के बाद ये मूवी थोड़ी सी इमोशनल वे में चली जाती है, यानी कि आपको थोड़े से इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे और एक आपस में प्यार भी देखने को मिलेगा, एक फ्रेंड सर्कल वाली चीज भी देखने को मिलेगी जो हम लोग आपस में करते भी है दोस्तों के साथ में। तो 1 घंटे के बाद जो आपको चीजें देखने को मिलने वाली है, हो सकता है आपको वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। बाकी आपको जो मेन लीड में करेक्टर देखने को मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस आपको इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी, आप उस बंदे से कनेक्ट हो जाओगे पूरी मूवी के एंड तक। जितने भी सपोर्टिंग कलाकार आपको नजर आएंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक लगेगी, बट उतना ज्यादा आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उनसे। मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, आपको बांध के रखता है मूवी के एंड तक। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।